तो भाई जब से किया मोटर्स ने इंडियन मार्केट पर कदम रखा तब से लेकर अब तक भाई किया मोटर्स के कारों पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब फीचर भी अच्छे खासे हैं, लुक्स भी अच्छी खासी है, पावर भी ठीक है और भाई अपने सेगमेंट की सेगमेंट किंग कार भी बन चुकी है। लेकिन भाई बात आती है जब सर्विस की ना, तो इस कार से घटिया मतलब इस कंपनी से घटिया सर्विस आपको कोई और कंपनी नहीं देती है। और भाई इस कंपनी की कितनी घटिया सर्विस हो सकती है इसके मामले में, तो वहाँ पे आपने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि यहाँ हजारों बार सुन लिया होगा। भाई बारी आती है एक और खबर सुनने की जो आपका दिल दहला कर रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भाई किया मोटर्स की कारें लेनी चाहिए या फिर रुकना चाहिए? भाई किया मोटर्स की कारें ले लें, बुक कर लें, या फिर भाई रहने दें, भाई हाथ जोड़कर किसी और कार के साथ में चले जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हाल हुआ है यूपी के लोहिया के रहने वाले समीर सैन के साथ में, जिनकी कारें भाई जलकर राख हो चुकी है और अब फिलहाल उनके पास कार नहीं है और उनके पास थी किया मोटर्स की किया सेल्टोस। कैसा लगे जब आपकी किया सेल्टोस मतलब एक बिल्कुल नई कार जिसकी कुछ महीने ही कंप्लीट हुए हैं और वो कार जलकर राख हो जाए आपके आंखों के सामने? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है किया मोटर्स के लोहिया वाले सर्विस सेंटर पर दिए हुए एक कार के साथ जिसको दिया था समीर सैन। अब चलिए पूरी बात जानते हैं उन्हीं के मुंह जवानी ताकि आपको भाई कोई कंफ्यूजन ना हो। तो गैस उनका कहना क्या है, आज मैं अपनी किया सेल्टोस को लेकर इसकी एसी की तकनीकी खराबी को ठीक कराने के लिए किया सर्विस सेंटर लोहिया किया सेक्टर 63 पर टाइम 10:20 पर ले गया। इसके बाद पहले अपॉइंटमेंट लिया गया और उसके बाद उसने एसी की तकनीकी को ठीक किया। ठीक करने के बाद इस गाड़ी को ट्रायल कर लिए ले जाने की बातें कही गई। सर्विस एडवाइजर के द्वारा इस गाड़ी को ट्रायल के लिए ले जाया गया और ट्रायल के दौरान गाड़ी पर अचानक से आग लग गई जिसकी कोई खबर नहीं थी, कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दी गई और पूरी की पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। ये सारी कमी किया लोहिया सर्विस सेंटर की और किया कंपनी की है। तो मेरा अनुरोध ये है कि मुझे मेरी गाड़ी लोहिया किया सर्विस सेंटर से वापस दिलाई जाए। भाई समीर सैम ने तो अपनी बातें कह दी है और इनके पास जो मौजूद थी किया सेल्टोस वो थी HTK प्लस वेरिएंट, मतलब लगभग 18 से 20 लाख की गाड़ी इनके पास मौजूद थी। अब भाई बारी आती है किया मोटर्स की जो इनके साथ कौन सा सॉल्यूशन करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर कंपनी कोई सॉल्यूशन नहीं देती है और इन कितना ज़्यादा बुरा नुकसान वो भी सर्विस सेंटर के द्वारा कस्टमर को होता, तो ये सिंपल सी बात है भाई, ये गैर कानूनी होती है, इस पर भाई किया मोटर्स को एक्शन लेना जरूरी है। तो ऐसे पर आपका क्या कहना है नीचे कॉमेंट जरूर करना, आपके हिसाब से समीक्षण के साथ में क्या सोल्यूशन दिया जाना चाहिए, नई गाड़ी देनी चाहिए या फिर कोई और सोल्यूशन दिया जाना चाहिए, नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसे ही कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लेना। एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।